वह संकित थे वह पागल थे, कि वह संकित थे वह पागल थे। जी हाँ, पागल और संकित शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश बहादुर सिंह किसी और के लिए नहीं, बल्कि जिले के विकास पुरुष कहे जाने वाले स्वर्गीय कल्पनाथ राय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मौका था स्वर्गीय कल्पनाथ राय के 78वें जन्म दिवस का और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश बहादुर सिंह ने माइक संभाला तो ये विवादित बयान दे डाला। इस बयान को सुनते ही कांग्रेसियों में हलचल मच गई। बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष का स्वर्गीय कल्पनाथ राय पर दिया बयान किसी गलत आशय में नहीं था, लेकिन कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष की गलत मिसाल ही जुबान से फिसल गई। आइए अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश बहादुर सिंह का पूरा बयान। कि वह संकित थे वह पागल थे। हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति संकित नहीं होगा और पागल नहीं होगा तो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकता। अनवरत उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान में विशाल कायम करने वाला, रचना सृजन निर्माण और विकास के मामले में कोई उनका एड़ी नहीं मार पाया। वहीं शहर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा ने कहा कि प्रदेश उपाध्यक्ष को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सीमा परवीन ने कहा कि इतना विकास कोई संकी या पागल नहीं कर सकता है। पूर्व ये जो है केंद्रीय मंत्री भी थे, ये बहुत बड़ी एक हस्ती थी कल्पनाथ की। पागल क्या कहना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। संकी या पागल तो इतना बड़ा जिला थोड़ा ना तैयार करता। संकी या पागल कहाँ जिला तैयार करता है, बताइए। उनके जैसा कोई अभी तक आया नहीं। उनकी जबानी है ये मंच से, नहीं क्या उन्हें ऐसा कहना चाहिए था? नहीं नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, वो कहे नहीं होंगे ऐसा। न्यूज़ आई के लिए मऊ से अमित यादव की रिपोर्ट।